आप तो सुनेंगे ना, आप बात तो जवाब तो देने दीजिए। मेरा सगा भाई क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए। सुपारी थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान। पता ही है पहले कितने बैंक वाले यहाँ पर थे, पहले कितने लोगों को लोन मिलता था। पवार साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया। इससे पहले के नगर सेवकों ने कितना काम किया, रिजर्वेशन तो 94 से था। रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूँ आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया। मैं हूं सोनू सूद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। नमस्ते। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के जरिए से लोग चला रहे हैं, कुछ अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवार साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाज़ आपके साथ, आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना, आप लोगों को नहीं जा रहे हैं क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है। जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे, 24 जा रहे, 10 जा रहे, 5 जा रहे, दो पार्टी के लोग बना रहे ना वो माहौल, आप तो ठीक है ना। सेना बाला साहेब बनके और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग वोटिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है। हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवार साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। वो तो आवार साहब के आने के पहले बना है। क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? मुमरा के भी तो रास्ते हैं ना, रेती बंदर में कहाँ जाते हैं? मैं घूमने जाने की बात नहीं करूँ, वहाँ से आप बात करेंगे तो वो आवार साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बनाए थे। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था, कैसा आवाज साहब के आने से पहले रास्ते बने? हाँ उसके पहले ही बने, रेती बंदर का रोड, रेती बंदर का रोड। मैं बोल रही हूँ जो अनिका मुमरा की नीति, देखिए मैं पर्टिकुलर रोड पे बोल रही हूँ, मैं विकास निकालूंगा। निकालिए ना आप महासभा के मिनट्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी, तो वो और हम लोग तो उस रास्ते से, आप 2007 में नगर सेविका बनी, मुमरा रेती बंदर का रोड कौन सा साथ में बना? कॉन्क्रीट रोड कब बना? मैं कांग्रेस से की बात कर रही हूं ना, बना आप बताइए। अभी तो बन रहा है, वो काम चल रहा है उसका, कांग्रेस रास्ते का अभी बना, अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं। 96-97 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम मोहन सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही कहते हैं, हम भी यही रहते हैं, और हमने जो मुद्दों को महासभा में उठाया है, आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे, गंदगी रहती थी। जेल के पास आप आएंगे तो जो है रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था, रेलवे स्टेशन एक बार बना तो नहीं बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से ही हमारे आने की एंट्री उधर से है मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले कि आवार साहब के आने के बाद बना है, मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवार साहब के मुमरा विधान कलवा मुमरा विधानसभा, लेकिन कॉन्क्रीटीकरण और उसको जो है कि वो है अच्छे से बना। मैडम मैं कॉन्क्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ। हाँ अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से जो है पार्टी बता रही हूँ, पार्टी भी तो बन के तैयार होने वाली है। नहीं नहीं, चौपाटी बन के अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क उसका काम शुरू है, उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था आज कैसा है, काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं, ठीक है, हम नगर सेवक जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है, तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवार साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने
अमल बजावनी जो हुई है आवाज साहब के आने के बाद, उन्होंने जो है बड़ा बड़ा बजट का जो फंड था बड़ा फंड, वो जयसवाल साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से, क्योंकि एक वक्त में महापालिका जो है महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी कि वो अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क नाले गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी बड़ी भाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? देखिए मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होता है, जानकारी नहीं है, मैं छोटे से नगर से होता हूँ, मैं मेरे अपने जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ है मैं उस पर ही बहस करूंगी ना। नहीं तो आप अपनी वार्ड की बात कीजिए, फिर आप अवार्ड साहब की बात मत कीजिए। आपके आवाज आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अली की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे बाबा साहब को दिया, हाँ तो उस पर भी तो शानू भाई ने दिए ना खुलासा बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था वो, उसमें कुछ ऐसा मतलब उन्होंने अवार्ड साहब की तरफ से माफी मांगी जबकि जिसने कहा उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरे नजर में ऐसा है कि बाबा ये काम है ना कैसा, अभी लोगों का कहना है कि भाई अवार्ड साहब ने काम ही नहीं किया है, तो अवार्ड साहब ने काम मैडम एक मिनट माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ पिछले कई दिनों से जो भी महीना दो महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं है। कुछ लोग सुनो, कुछ लोग टोरेंट को लेके मुद्दा कर रहे हैं, आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है शिवाजी महाराज को लेकर के, उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो दो संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अक्ल वाला आदमी जो है ना जो इतिहास जानता है महाराष्ट्र का इतिहास हिंदुस्तान का इतिहास वो नकारेगा नहीं उनकी बात को, लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही है क्या? नहीं नहीं मैं तो हाँ। जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल रही हूं। आप काम पे तो हर महीने में आप लोग चार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा तो करते हैं लेकिन अभी इस बात आज उम्मीद जगी थी कि शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे पे आप नहीं नहीं बिल्कुल सबसे पहले तो एक बात दुनिया की मुझे और पत्रकारों को पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि अवार साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए आए क्यों नहीं आए अवार साहब, इसका खुलासा आप लोग दो, आप उनके लोग हैं ना, आप उनके लोग हैं नहीं, ऐसा अवार साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने बोला ऐसा? वो बोलो आपके ऑफिस को, आपके ऑफिस वालों ने मुझे कॉल है। संगीता मुझे कॉल है ना? देखो मैंने स्पष्टीकरण क्या दिया, मुझे मेरा पता है, अन्य पत्रकारों को पता नहीं, मुझे ये बोला गया 5 बजे आवाज आपकी प्रेस कोई मसला नहीं, हमको आप साथ बोल के विजय भाई रेहान भाई अश्विनी भाभी और जफर भाई लेने वाले, क्योंकि हम नहीं आते। नहीं नहीं ये गलतफहमी हो गई होगी रफीक भाई, आप लोगों का बड़ापन है कि हमने जब भी बुलाया है सदस्य हमारे लिए आए हैं, भाभी आप लोग एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग, तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते साढ़े छह बजे साफ नहीं आ पाए इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, अभी हम लोग आए तो आपसे ये पूछे ना साहब ठीक है चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए जरा बताएंगे? महानगर पालिका के अभी अपने हद में मुमरा शहर में जो काम हुए हैं कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है, अगर आप देखिए महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं, सम्प पंप बनाए नहीं क्या? सम्प पंप बनाने से पानी की राहत हुई नहीं क्या लोगों को? आज अलमास कॉलोनी का एरिया कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता था, अभी ये इमरान का इमरान है वहाँ पर भी जो है
सम्प पंप बनने के बाद आज ही मेरी इनसे बात हो गई सालों के हिसाब से जो वाटर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उन्होंने कहा कि पहले मुझे 220 कॉल आते थे एवरी डे पर डे अभी सम्प पंप के बाद मुझे सिर्फ 20 कॉल आते हैं और 200 कॉल कम हो गए क्योंकि पानी की तकलीफ लोगों को इस तरह से उन्होंने समझाया कि काफी फर्क हो गया इकबाल भाई का यही सवाल था महानगर पालिका के काम के बाद में दूसरे काम क्या हुए वो बताना अरे लेकिन महानगर पालिका के काम जो जरूरत के सहूलत के लोगों के जरूरियात के जो काम है उसी को करना जरूरी है ना पहला वो काम होना अभी कोविड पीरियड में चलो कोविड का एक मिसाल ले लो कोविड पीरियड में आवार साहब ने लोगों के घर घर अनाज मतलब वो जो खिचड़ी वगैरह जो भी बना हाँ लोगों को खाने की वो सहूलत करने की कोशिश की है उसके बाद में सबसे बड़ा जो है कोविड सेंटर हमारे यहाँ पे ही आया मुमरा में कहाँ कहाँ से पेशेंट यहाँ पर आते थे कोविड पीरियड में कब्रिस्तान जो है हमारा कौसा का कब्रिस्तान बंद हो गया था अमृत नगर कब्रिस्तान बंद हो गया था उस वक्त में कौन सा कब्रिस्तान काम आया तो आप काम किए हुए बातों को कीजिए ना किसने कहाँ से फंड लाया किसने कौन सा काम किया इधर का फंड आया कि नहीं वहाँ का फंड आया काम होना ये अहम सबसे बड़ी जरूरत है क्योंकि हम 2000 हमारी जानकारी के हिसाब से मुमरा प्रभाग समिति से जितना टैक्स महानगर पालिका को जाता है उतना रिटर्न फंड भी नहीं आता देखिए ये आपकी गलत फहमी है अगर आप मिनट्स ओपन करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से टैक्स कितना जाता है वहाँ से फंड कितना है देखिए अभी अमाउंट तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकती हूँ लेकिन हर महासभा में हम लोगों की चर्चा होती है जिसपे फिर हम लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि आपके यहाँ से 60% कलेक्शन हुआ है 45% कलेक्शन हुआ है पहला जो शुरुआत का था अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से रिकवरी थोड़ी अच्छी हो रही लेकिन पहले जो पुराना हमको बहुत कुछ सुनने मिलता था और वो लोग जो है बजट देने के लिए भी बहुत सारी आनाकानी किया करते थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक बजट भी लाया और काम भी किया आप लोगों का स्टार्ट ही गलत है आप लोग किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं अवार साहब आने वाले थे अचानक अगर नहीं आए हैं तो क्या मुद्दे पे अवार साहब के आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको मीडिया को एज ए रिप्रेजेंटेटिव क्या बात करनी है आप लोगों ने आपने सवाल जवाब कर दिया वो थोड़ा सा नहीं हमारी हमारा जो आप रिकलेक्ट कर ले क्या मुद्दे उसी पर बात करते हैं दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं ना हम लोग आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस पर हम लोगों ने आपको बुलाया और आप लोग अपने टाइम में वक्त मुकर्रर पे आप लोग आए हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं हमारा हमको आवाज साहब का इंस्ट्रक्शन था आवाज साहब का कॉल था कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में जो काम हुए चाहे वो महानगर पालिका के हो चाहे साहब के काम तो साहब ने किया है साहब के प्रयासों से जो काम हुआ है उस विषय पर आप लोगों को आज बताइए इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी बहुत सारी बातें हैं लेकिन नगर सेवक की एक हद है नगर सेवक से अगर हम बहुत ज़्यादा तवक्को रखेंगे जो हमारी हद से बाहर का काम है वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं ही बोलेंगे लेकिन जो हमारी बस में जो महानगर पालिका के बस में था हमने वो सारे काम करने की पूरी पूरी कोशिश की हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया और हम 100% काम नहीं कर पाए उसकी वजह ये थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई बहुत दिक्कत है देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई थी उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की जरूरत थी वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ मुमरा कौशल की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसमें हमारा भरपूर साथ दिया और मीडिया के लोगों का भी भरपूर साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया वो बहुत बड़ा काम था पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे तो ये मुमरा की सरजमीन थी और मुमरा का ही ये कोविड हॉस्पिटल था जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज
की और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो भी दिया कि हम कहां टोकन से आए, कोई शिकायत किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को लोगों ने, कुछ लोगों ने सेंसेटिव बनाया उसको, हम ठीक है कुछ भी रहा होगा सेंसेटिव, जो भी रहा होगा, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोरोना का लोगों ने सेंसेटिव बनाया है कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जीत को पूरी करके सेंसेटिव बनाया। मैं आपको मेरे बड़े भाई की आरटीआई है उसमें, मैं साफ बोल रहा हूं। अब मेरी बात सुनो मिस्टर जफर नोमानी, प्लीज लिसन टू मी। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान लाया। स्लॉटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहां है बताओ अभी आप? आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस का है। अच्छा अभी मैं क्या क्यों भी आंसर मेरी एक बात क्यों भी आप तो सुन नहीं, आप बात तो जवाब तो देने दीजिए, लेकिन माना नहीं। अरे आप बात तो बोले दीजिए, आपके और आपके काम पे बात कर रहे हो ना, इसी पे बोलो। आप जब बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? आप बोलिए, बोलने तो दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। कब्रिस्तान की मैंने बात की, मैंने बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लॉटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया? क्या हम स्लॉटर हाउस के लिए पंजाब नहीं कर रहे? स्लॉटर हाउस अगर नहीं आएगा, नहीं क्यों ऐसी जरूरत आई कि स्लॉटर हाउस करके कब्रिस्तान की शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी? शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने बोर्ड लगा दिया था कि हम वो भी सारी सियासत मालूम है, नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था, सारी कब्रिस्तान के जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने। हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी, आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मतलब है, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुबह ही बजाय। रफीक भाई कैसे आप ये कह रहे हैं? हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लॉटर हाउस के विषय को बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया हो, तो आप बोलिए चुके हो? नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे? पिछले एक साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉटर हाउस में आपने क्या काम किया? क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? बताइए जो होने वाले, हमने तो बात नहीं की है ना। ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साथ बोलते सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई बोलते है ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ, पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने बटा कर रखा, एक मिनट बांट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पे एंड पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है उनको? जो लोग शहर में गलत कर रहे हैं वो चाहे मेरा सगा भाई, आपसे कह रहा हूँ रफीक भाई, मेरा सगा भाई क्यों ना उस पर कार्रवाई की जाए, अगर हम उसके बीच में आते हैं पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर खुद अनलीगल कर रहा है, हॉकर की जगह पे कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई आप सेंसिटिव है, रोड छोड़ा हुआ रफीक भाई, एक मिनट, मैंने रोड छोड़ा हुआ, रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो भाई, मैंने 22 करोड़ का एक्सटेंशन था वो रफीक भाई, 22 करोड़ का एक्सटेंशन। इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुमरा फीडर 1 का केबल, मुमरा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम वो 20 करोड़ का टेंडर कॉर्पोरेशन ने दिया, वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ, बताएंगे मुझे? अभी साथ ही साथ में चलते, सुनिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है सदा, मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने दिया था, वो काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिल रहा है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है, अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था लेकिन हमको 25% बिल आ रही, बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया उनको बिल नहीं हो रही, और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है, ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है, हम कहाँ कह रहे हैं रवि भाई काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमने आपसे
कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग, पहली बात तो आप इस शहर के हिस्सा, रफीक भाई हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम अपना भाई समझ के बुलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी हैं। मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए, आप हमारा साथ हमने पहले कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय पर आपने हमारा साथ दिया। कोविड के दो साल, लॉकडाउन के दो साल, वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उरियानी करने का मामला नहीं था। मीडिया को उतनी समझ है किस तरीके से अवार्ड साहब ने, आप लोगों ने उनके माता जो भी है, किचन कम्युनिटी, राशन देना, ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया, तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था, तो वो काम सभी ने किया साहब। आप कोविड से आगे बढ़िए। राजीव भाई मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस वक्त, नहीं क्या होकर जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन कैंसिल करके। बनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे, 2017 से 22 तक, ये काफी पुरानी है आपकी। रियान भाई ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं, ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप दो है तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था। देखिए जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ नहीं, नहीं, आप मेरे नहीं, नहीं, सीधे आप... से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से, ऑथेंटिक मुझे वजह मुझे बताइए। ज्यादा बारीकी पता नहीं है, लेकिन जितनी मालूम है सिर्फ उतनी। अरे ये प्रशासनिक शहर है, कमिश्नर साहब के बाद लोग तालियां बजा करके भले मिलते, जब जब कमिश्नर साहब रफीक भाई बात सही है, लेकिन आपकी, लेकिन अभी मुझे वजह जाननी है। आप बाद में 5 साल थे ना भाई, पिछले 5 साल आप मनपा थे, बात बात में वो है पिछले 15 साल से भाई, मुझे बताइए स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ कब्रिस्तान लाने की वजह क्या थी। अश्विनी मैडम बोल रही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा के वो बजा है, वजह नहीं, सीधे सवाल का सीधा जवाब कब आएगा, कब आएगा, अभी मैं सीधा जवाब दे रही थी, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूं। बोलिए बोलिए भाई। भाई देखिए मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है, जितनी मालूम है मैं उतना ही बता रही हूं कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जयसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थे वहाँ पे, हाँ थाने के डॉन, अब वो मुझे नहीं मालूम सामने उपाधि दी ना, तो उस वक्त में ये जब मुद्दा उठा के जमीन कहाँ है, कहाँ दी जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि तो मित्तल में जमीन है करके, और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया, मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद ही जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया, तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि पर यही हुआ है या वही हुआ है, लेकिन मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं सिलेक्टर हाउस बनाने नहीं दूंगा, और क्या वही सुपारी थी जैन धर्म का था ना, वही सुपारी थी। देखो भाई सुपारी थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान, मैं उसी मुद्दे पे वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, बाकी मेरा कोई और पर्सनल रोल नहीं था। नगर आज की तारीख में कोई एक फुट की जमीन नहीं देता है, इतने अपने मुमरा कौशल के अंदर है, कितने लोगों ने जमीन दिए, हमारे घर वालों ने दिए, कौशल वालों ने साल से ज्यादा, आप नगर सेविका है ना, मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है, देखिए मैं उनके भी घर के लोगों के नाम है, DDR में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला, इस शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के नाते उन्होंने हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मुमरा कौसा के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है, और क्यों मित्तल को डीडीआर दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं, 139 करोड़ का रोड है आपका,
मित्तल 2 MM में लिखा नहीं है क्या जबर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए। अभी कंटिन्यू करिए, तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी, फिर तो उनको पहले कंटिन्यू करने दो, फिर उसके बाद में बोलती ना। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगे मैंने उतनी दी जो मुझे थी, इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती नहीं हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं निकल का, मैं आपकी नहीं, आपने क्या मुझे चाहिए था कब्रिस्तान, मैं उसी में बात करूंगी। अब किसका फायदा हुआ ने वो जमीने मैडम, जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेर फेर का PIL का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से ज्यादा तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरहूमिन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो PIL छोड़ दी, वो PIL मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि स्लॉट हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी? 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है। देखिए जो मुद्दे की बातें थी वो तो शुरुआत से हमने बताया कि भाई एन गेट को देखो, कब्रिस्तान जो को रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर आज भी अभी वो भी अभी किसी ने स्टे लिया था, मैंने बीच में भी लेटर डाला था और उसके ऊपर जो है मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी ने स्टे लिया है इसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था। लेकिन मुमरा के साथ लेकिन अभी मुमरा के साथ भी होता है, अभी जो कर रहा है उसको आपने बोल रहे हो, हमें भी ब्लेम कर रहे हो, स्टे डाला वो भी मुमरा के ही है। फिर हम आवाज सभी मीटिंग किए थे, अभी फ्लोट चौड़ी करने के लिए जो है मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट कई बार हटाया गया, और अवार्ड साहब के कहे अनुसार की 2 एकड़ जमीन हमने हॉकर्स जोन लेकिन अभी तक हॉकर्स जोन जो है हॉकर्स छोड़ करके गए नहीं। अभी देखिए जब अभी वो भी मुद्दा आता है तो ऐसा है कि गरीब के पेट पे लात मारते हैं, गरीब को खाने नहीं दे रहे, गरीब खाता है तो इनके पेट में दुखता है, तो गरीबों के पेट। हाँ तो वही बोल रही हूँ ना, तो अभी हटाने के लिए भी वजह थी कि भाई लोगों को आने के लिए तकलीफ होती है, ट्रैफिक हो रही है, एम्बुलेंस में लोगों की डेथ हो रही थी, लेकिन सर होकर जाने तैयार, हम उनको जगह दे रहे हैं, रिक्शा जो रिक्शा चलाते हर तरीके से घुमा फिरा के आप लोग अगर घूमेंगे तो कैसा चलेगा? जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट भी नहीं करने मांग रहे हैं। अभी अभी आपने प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी पिछले साल, शमीम भाई भी, जफर भाई भी थे, रेहान भाई भी थे, ट्रैफिक वार्डन हम बढ़ाएंगे, फिर कई स्कूलों से लोग आएंगे, कहाँ है कोई एक भी नहीं नजर आ रहा है। आज तो ट्रैफिक सीनियर भी नहीं दिखता है मार्केट, अब तो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, नया ट्रैफिक विभाग तो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम सारे मेरे साफी भाई हजरत जो यहाँ पर आ पाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो ये था कि आज जो शहर में बातें चल रही हैं, मैं खुदा पॉइंट बात करता हूँ कि अवार्ड साहब की मार्फत कोई विकास का काम नहीं हुआ, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे जो नगर सेवक थे पुराने जो माजी आज हो गए, तो सब ने विकास किया, और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक मंत्री थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी नगर सेवक थे, तकरीबन आप सारे सीनियर हजरात साफी हजरात यहाँ पर हैं, एक नगर सेवक की जो मियाद जो हमारे को एक इसके अंदर जो लिमिटाइजेशन के अंदर पैसे भेजते थे नगर सेवक निधि या उसके प्रभाग के लिए, तो 50 लाख से 70 लाख रुपये अप्रोक्स के आसपास होती है। उसके अंदर हमने और तमाम जितने हमारे आज नगर सेवक हैं, जितने आज हमारे लोग हैं, हर बार जब ज़रूरत पड़ी, हर बार यानी अगर मैं रशीद कंपाउंड की बात करता हूँ तो हर बार जैसा जयसवाल साहब थे उनसे, उनके बाद में भी जो कमिश्नर साहब आए, हमने अवार्ड साहब को आग्रह करके वहाँ पर लेकर गए, और वहाँ पर चाहे वो कोई भी बजट का हेड हो, चाहे UT का हेड था, चाहे NDP का हेड था,
अवार्ड साहब ने बोल करके वक्त की तकाजा है कि क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया का रशीद कंपाउंड, और आप जितने भी लोग हैं मैं आपसे भी सारे से इल्तिजा करता हूँ एक छोटी सी बात कि रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूँ आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया और उसके अंदर निधि मुहैया कराने में डिफरेंट डिफरेंट बजट हेड से INDP से UT से अवार्ड साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे प्रभाग में, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ, अवार्ड साहब की एक जब अवार्ड साहब इसके अंदर जब कमिश्नर साहब से अवार्ड साहब ने 200 करोड़ का रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था उसके अंदर से भी फंड लाने का बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब की मार्फत हुआ। आज रशीद कंपाउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 लाइन डालने में कामयाब हो गए, लगभग लगभग आज ना के बराबर रशीद कंपाउंड की, और मैं समझता हूँ कि दीगर इलाकों का पानी का प्रॉब्लम हल हुआ। उसी तरीके से संपेन पंप की जो बात आई भाई, ये जो बात थी ये बिल्कुल बेबुनियाद थी कि अवार्ड साहब ने अवार्ड साहब की मार्फत विकास का काम नहीं हुआ। तो जो जो काम हुए अभी जैसा कि हॉस्पिटल की बात है, इसके साथ में स्टेडियम की बात है, तो ये प्रपोजल तो काफी दिनों से पड़ा था, लेकिन आज उसको लेकर आना, इम्प्लीमेंट करा के उसको पास करा के लेकर आना और उसको शुरू कराना, ये भी सारे काम अवार्ड साहब की मार्फत हुए। तो जितने भी सारे काम थे, और ये बात कि हर नगर सेवक ने अपना, ठीक है नगर सेवक ने, मैं इसके अंदर ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक ने काम नहीं किए, जो इससे पहले भी थे, सबसे पहले भी जो लोग थे, काम का स्केल था, काम की दर थी। आज हमारे कितने यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद है, अगर आप लोगों के सामने अगर मैं ये चीज बोलूँ कि अवार्ड साहब के आने के बाद का स्केल और उसके पहले का स्केल, तो शायद लोग एग्री करें कि उसके बाद में जो हमारा डेवलपमेंट काम तो हुआ नुमरा के अंदर, वो काम बढ़कर हुआ है। तो लोगों को आज मौजू ये था बात करने का कि कुछ लोगों का बोलना था कि अवार्ड साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया, ठीक है लोगों ने काम किया, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था अवार्ड साहब का। हर जगह से जिस तरीके से जो हमको फंड मुहैया कराए वो कॉर्पोरेशन के ही फंड थे, वो दूसरे हेड्स के फंड थे। आज भी जो हमारे को फंड आते हैं एक नगर सेवक को, जो एक योजित जो एक सेंक्शन निधि होती है प्रभाग सुधारना और नगर सेवक उसकी एक मियाद होती है, लेकिन जब कभी हमको इसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में हम कम पड़ रहे हैं, हमारे को वो निधि सफिशिएंट नहीं है, हमको और एडिशनल, तो हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और हर बार हमारे साथ में अवार्ड साहब को बोलकर उनसे बात करके कि उनसे एक राइट वे है उस तरीके से बोलकर हमको निधि मुहैया कराई, चाहे फिर वो यूटी का बजट हो, चाहे NDP का हो, नाले बनाने का हो, पानी का काम हो, हमको हर जगह हर तरीके से अवार्ड साहब ने उस बजट मुहैया कराने में मदद करी। रियान भाई, अभी आप नगर सेवक से तो हो गया, yes. अब आने वाले समय में जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे जीतने के लिए? भाई जो काम इन लोगों ने किया है, अगर मुमरा कोसा में काम हुआ है तो आप भी उसी की बात करेगा। जैसा कि आज हम लोग ने अगर कंक्रीटाइजेशन का काम किए, हॉस्पिटल का काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ, तो यही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा ना, यही सारी चीज़ों को लोगों के बीच में रखा जाएगा। भाई रियान भाई, ये आज जैसे विकास की जो आप बात बता रहे हैं, वो विकास की बात बताने आपको आज इतने जरूरत क्यों पड़ी? भाई आज शहर में कुछ नए फंड आए हुए उसको लेके आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को नए फंड मिले गए हैं विकास के लिए, उसको लेके आप कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए मैं किसी को लेके नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक बात शहर में ये चल रही थी कि सारे जो माजी नगर सेवक हैं इतने दौरान इतने वक्फे के अंदर उन्होंने ही काम किया, अवार्ड साहब की मार्फत अवार्ड साहब ने काम नहीं किया, तो भाई ये बेबुनियाद और गलत बात है। जो मुझे लग रही है आज रशीद कंपाउंड के अंदर जो एक मियादी निधि होती थी 1 साल की, उसके अलावा मैंने, अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने बहुत काम किया हूँ, शायद मेरे से पहले भी, मेरे इस वक्फे के पहले 2017 के पहले भी आपका रशीद कंपाउंड में जाना होता होगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मेरे लेवल पे पूछता हूँ कि आपको पहले के और अभी के रशीद कंपाउंड में फर्क नहीं दिखता? बहुत अच्छा बनाया आप, अगर हक है तो आप बोलिए, अगर आपको डिग्रेड हुआ तो आप वो भी बोलिए। हम ये बोल रहे हैं ये विकास जी, इतने सालों से जब भी मीटिंग हुई है या ये रोड की ओपनिंग हुई है हमने दिखाई है, ये काम आपने पास करा है हम वो भी मानते हैं, वो भी दिखाई है, नगर सेवकों ने भी काम किया है, गली मोहल्ले में भी काम किए है, मगर आज वापिस विकास के दावे की बात जब आ रही है तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी बात में कहीं कमजोर तो नहीं है? नहीं नहीं, इंटरव्यू आ रहे हैं, बातें चल रही हैं कि सिर्फ हमारे नगर सेवक
कहीं भी कुछ भी योगदान नहीं है, तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि बिना अवार साहब के हम लोग ये काम नहीं कर पाते थे। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि टीएमसी में प्रभाग सुधारना और नगर सेवक निधि के अलावा इससे पहले के नगर सेवकों ने कितना काम किया। रिजर्वेशन तो 94 से था। आने वाले वक्त में नगर सेवक इलेक्शन में टोरंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? टोरंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैडम एक मिनट, जो लोग विकास है ना, मैं सुनिए, अभी मेरी बात दो मिनट सुनिए। मैंने भी टोरंट में लोगों को जो है ना, मैंने भी विकास है ना, एक मिनट, मैंने भी टोरंट में भाई गिर समझे, क्या लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस वक्त हम लोग अजीत दादा के पास इसी सुनिए, जब हम लोग आवाज साहब को लेकर अजीत दादा के पास जब हम लोग गए थे लाइट के मुद्दे पे एमसीडीसीएल के बारे में, उस वक्त में अजीत दादा को अधिकारियों ने बोला कि मुमरा में चोरी ज्यादा होती है लाइट की, लोग बिल नहीं भरते है, एसी डायरेक्ट चलती है, दुकानों में जो है बल्ब डायरेक्ट चलते, एक्सवाइजेड जो कुछ उसने बोला बोला कि मुमरा में हम लोग इसको सी इसमें डाल दिए, कौन सा सी कैटेगरी कौन सा कैटेगरी, मतलब जो बिल भरते थे वो भी सजा भुगतेंगे। हाँ सजा भुगतेंगे, तो आवाज साहब ने यही सवाल किया, तो आवाज साहब ने उस वक्त यही बात की है कि जो बिल भरते हैं उनका क्या, जो नहीं भरते उनके लिए आप सबको सजा नहीं दे सकते। और उस वक्त में उस वक्त के हालात ऐसे थे कि एक केबल लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, एक केबल लगाने के लिए जब जलता था तो कितनी तकलीफ होती थी, ट्रांसफार्मर लाने के लिए हमको कितनी तकलीफ होती थी। कामों से इनकार नहीं है विकास कार्यों से, लेकिन तो ये हम लोगों को जो है बात है हमारी यही बताने की थी विकास के मुद्दों पे। देखो एक बात समझ लो कि जो मुमरा के लोगों पे जो इल्जाम लगाया जा रहा था ना कि मुमरा के लोग चोर है, मुमरा के लोग, इसी को तो उनको क्लियर करना था ना। आपको बताइए पहले कितने बैंक वाले यहाँ पर थे, पहले कितने लोगों को लोन मिलता था, आज के हालात क्या है, पहले पुलिस आए दिन किसी को भी उठा के लेके जाती थी, आज लेके जा रही है क्या किसी को भी उठा के? शहर में जो आज मौजूदा हालात और जो सारी बातें हो रही थी के सारे काम माननीय नगर सेवकों ने किया है, इसमें आवाज साहब का योगदान नहीं है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात थी। हर आदमी हर नगर सेवक अपने वार्ड में अपना काम करता है और उसकी एक लिमिटेशन होती है जहाँ पर वो अटकता है। हमारे कईद और हमारे आमदार प्रोफेसर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में हम कॉरपोरेशन के हर उस ऑफिसर के पास, हर कमिश्नर के पास हमने गए और साहब ने वहाँ पर जाके, चाहे वो कोई भी बजट का हेड था जफर भाई, चाहे वो INDP का था जिससे नाले का काम हुआ, चाहे वो UT का था जिससे कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ, चाहे वो पानी की समस्या थी जो रिमॉडलिंग का साहब ने 200 करोड़ रुपया लाया चाहे उससे वो काम हुए, चाहे वो पानी का स्टोरेज टैंक्स जो सम्प एंड पंप का काम जो हमारे MM Valley में हुआ, अलमास कॉलोनी में हुआ, शानूबाई के वार्ड में हुआ, आज हमारे रशीद कंपाउंड के अंदर अम्बेडकर पाड़ा में एक बहुत बड़ा 10 लाख लीटर का टैंक चल रहा है, तो ये सारे काम उसी मार्फत उस फंड्स की मार्फत हुए। तो ये बात बोलना और किसी पे आलोचना करना साहब पे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया बिल्कुल बेबुनियाद है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और आप सारे सफी सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने हमारा योगदान दिया, हमारे यहाँ पर आए, हमारी बातें सुनी इस पत्रकार परिषद के अंदर, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।